हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो राम नर्सिंग एकेडमी चैनल। मैं नीरज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं राम नर्सिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है सभी नर्सिंग एस्पायरेंट्स के लिए और स्पेशली एम्स एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि आजकल एम्स का पैटर्न बदल गया है और इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं या वीडियो बेस्ड पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सभी एम्स एस्पायरेंट्स और नर्सिंग एस्पायरेंट्स वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और साथ में इस वीडियो में नर्सिंग के सभी पोर्शन इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक्स, मेडिकल सर्जिकल एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सभी के इमेज बेस्ड क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, इंक्लूडिंग क्रिटिकल ऑल्सो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, रुकिएगा नहीं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और ये 500 क्वेश्चन है जो ये हम पार्ट्स में करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको भी प्रॉब्लम रहेगा, बोरिंग फील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्पेसेज शोन इन फोटोग्राफ आर प्रेजेंट एट बर्थ। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी वन एंड फोर। तो दोस्तों, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये साइनसेस के बारे में पूछ रहा है कि कौन से साइनसेस एट बर्थ प्रेजेंट होते हैं। तो प्लीज गैस करें आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री एंड फोर, एथमोइड एंड मैक्सिलरी आर प्रेजेंट एट बर्थ। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है दोस्तों, सूचर एरो शोन इन द फोटोग्राफ क्लोजेज बाय द एज ऑफ, ऑप्शन ए 6 months, ऑप्शन बी 2 years, ऑप्शन सी 3 years एंड ऑप्शन डी 6 years। सो दिस इज द डायग्राम शोन इन द फिगर इज फ्रंटल सूचर, आई थिंक फ्रंटल सूचर है। तो दोस्तों, कमेंट करें फ्रंटल सूचर कब क्लोज होता है, गैस करें, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 6 year। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आइडेंटिफाई द फोरामेन शोन इन द फोटोग्राफ, ऑप्शन ए फोरामेन ऑफ लुस्का, ऑप्शन बी फोरामेन ऑफ मोनरो, ऑप्शन सी फोरामेन ऑफ मैगेंडी, ऑप्शन डी फोरामेन ऑफ मोरगैग्नी। सो प्लीज गैस द आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज इन मीडियन अपर्चर, दिस इज मीडियन अपर्चर एंड मीडियन अपर्चर फोरामेन ऑफ मैगेंडे इज सीन, दिस इज कॉर्पस कैलोसम। Let us move to next question. Identify the foot condition shown in the figure. Option A, talipes, calcaneus. Option B,
पेलिपिज वेरस ऑप्शन सी, पेलिपिज इक्वेनस ऑप्शन डी, पेलिपिज वेलगस। तो साथियों आंसर क्या हो सकता है कमेंट करें। और यहाँ पे राइट आंसर पेलिपस वायरस होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। द मूवमेंट्स एरो शोन इन द फोटोग्राफ इज ड्यू टू ब्लैंक सेगमेंटल इन्वर्जन। दिस इज डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन, सो इट इज मेनली इनर्वेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो प्लीज आंसर बताएं। ऑप्शन ए L3 L4, ऑप्शन बी L4 L5, ऑप्शन सी L5 S1 एंड ऑप्शन डी L2 L3। द राइट आंसर इज L5 S1। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ जॉइंट एंड सर्कल शोन इन द फिगर इज कॉज बाय रेक्टस फीमोरस, ऑप्शन बी वास्टस लैटरिस लैटरलिस, ऑप्शन सी वास्टस मेडियलिस, ऑप्शन डी हैमस्ट्रिंग्स। सो आप यहां पे देख सकते हो फ्लेक्शन हो रहा है, तो फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट कौन सी मसल से होता है, प्लीज गेस करें। एंड द राइट आंसर इज हैमस्ट्रिंग। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। साथियों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस और वीडियो क्विजेस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूवमेंट शोन इन द फोटोग्राफ अकर मेनली ड्यू टू विच मसल। ऑप्शन ए ग्लूटियस मेजर, ऑप्शन बी टेंसर फेशियलाटा, ऑप्शन सी पेक्टिनस, ऑप्शन डी सॉस मेजर। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ एंकल, आई थिंक नो सॉरी दिस इज द फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट इज सीन इन दिस पिक्चर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट इज डन बाय विच ना सॉरी विच मसल सोस मेजर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मूवमेंट ऑफ थंब एरो एज शोन इन द फोटोग्राफ इज लॉस्ट इन इंजरी टू द। ऑप्शन ए मीडियन नर्व, ऑप्शन बी रेडियल नर्व, ऑप्शन सी अल्नार नर्व, ऑप्शन डी एक्सिलर नर्व। सो प्लीज गेस द आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज एबडक्शन ऑफ द थंब इज इनर्वेटेड बाय अल्नार नर्व। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। टाइप ऑफ जॉइंट सीन इन रीजन इन पेल्विस एनसर्कल्ड ऑफ द फोटोग्राफ इज। ऑप्शन ए फाइबरस, ऑप्शन बी कार्टिलेजिनस, ऑप्शन सी सिनोवियल, ऑप्शन डी गॉम्फोसिस। तो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो पेल्विस में जो जॉइंट होता है कौन सा जॉइंट होता है, तो गैस करें एंड द राइट आंसर इज कार्टिलेजिनस। रिमेंबर दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। सॉरी डन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पीडियाट्रिक पोर्शन।
ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन पूछा है क्लिनिकल टेस्ट शोन इन द फोटोग्राफ इज, ऑप्शन ए बार्लो टेस्ट, ऑप्शन बी ऑर्डरलाइन टेस्ट, ऑप्शन सी गैलेजी टेस्ट, ऑप्शन डी एलन टेस्ट। सो प्लीज गैस करें एंड द राइट आंसर इज ऑर्डरलाइन टेस्ट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लिनिकल टेस्ट शोन इन द फोटोग्राफ इज, ऑप्शन ए बार्लो टेस्ट, ऑप्शन बी ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, ऑप्शन सी गैलेजी टेस्ट, ऑप्शन डी ऑटोलेनी टेस्ट। सो गाइस गैस करें आंसर एंड द राइट आंसर इज गैलेजी टेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। और अगले इस क्वेश्चन में पूछा है ब्रेस शोन इन द फोटोग्राफ इज यूज्ड इन विच ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर, ऑप्शन ए पेल्विक फ्रैक्चर, ऑप्शन बी बायलेटरल एसिटाबुलर फ्रैक्चर, ऑप्शन सी जेनुवेरम, ऑप्शन डी डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। तो गैस करें आंसर को एंड द राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि भाई जो पाउलिक हार्नेस ब्रेस होता है उसको हम डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप के केस में यूज करते हैं, और कौन सा ब्रेस यूज कर सकते हैं कमेंट करें डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हिप में दूसरा ब्रेस कौन सा यूज कर सकते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। मैं आपके नॉलेज चेक करने के लिए पूछ रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल टेस्ट शोन इन द फोटोग्राफ इज, ऑप्शन ए बार्लो टेस्ट, ऑप्शन बी ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, ऑप्शन सी गैलेजी टेस्ट, ऑप्शन डी एलन्स टेस्ट। सो प्लीज आंसर को गैस करें और जवाब दे एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बार्लो टेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। Identify the condition of lower limb shown in the photograph. जो lower limb की कौन सी condition है देखी गई है picture में, तो option A है no knees, option B genuvarum, option C genu recurvatum, option D coxa vara. तो गैस करें एंड द राइट आंसर इज नोक नीज। दोस्तों नोक नीज को अदर नेम से क्या जानते हैं कमेंट करें। यार आप लोग कमेंट नहीं करते, मैं आपके लिए कितने अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं आप कमेंट तो कर दिया करो। तो नोक नीज का दूसरा नाम है दोस्तों जेनुवेलस। जेनुवेरस इज द अनदर नेम ऑफ नोक नीज। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों दिस क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेल्विक प्रोलैप्स शोन इन द फोटोग्राफ इज, ऑप्शन ए
सिस्टोसिन, ऑप्शन बी रेक्टोसिन, ऑप्शन सी एंटेरोसिन, ऑप्शन डी यूटेराइन प्रोलैप्स। तो मुझे विश्वास है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। एंड द राइट आंसर इज एंटेरोसिन, बिकॉज इन पोस्टीरियर वजाइनल पोर्शन इज इंक्लूडेड इन द एंटेरोसिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिस्टुला। फर्स्ट शोन इन द फोटोग्राफ इज, फोटोग्राफ में कौन सा फर्स्ट नंबर जो इंडिकेट कर रखा है वो कौन से टाइप का फिस्टुला है। ऑप्शन ए वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, ऑप्शन बी वेसिको यूट्राइन फिस्टुला, ऑप्शन सी यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो गैस करें, सोच समझ के आंसर दे दोस्तों, क्योंकि जल्दबाजी में हम ऐसे ही क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम में। तो यहां पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, बिकॉज द फिस्टुला फर्स्ट इज सीन बिटवीन द वजाइना एंड द यूट्रस, दैट इज व्हाई वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। यहां पे आप देख सकते हो जो यूट्रस और वेजाइना के बीच में हो रहा है फिस्टुला, उसको ही बोलते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टाइमिंग ऑफ इंसर्शन ऑफ डिवाइस शोन इन द फोटोग्राफ। तो भाई ये तो सभी को पता होगा कि ये कॉपर्टी है फिगर, और नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, दिस इज कॉपर टी। और क्वेश्चन में पूछा है टाइमिंग ऑफ इंसर्शन, तो ऑप्शन ए 3 डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज ओवर, ऑप्शन बी 3 डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। तो गैस करें आंसर को, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द कॉपर टी डिवाइस कैन बी इंसर्टेड अप टू विद इन और अप टू 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। याद रखें दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फॉर ऑल एम्स एस्पायरेंट्स, द कंटेंट कंपोजिशन ऑफ पिल्स शोन इन फोटोग्राफ। कंटेंट कंपोजिशन, ये है माला डी की पिक्चर, इसमें कितना कंटेंट एस्ट्रोजन का होता है ये पूछा है, तो कितना प्रोजेस्टेरोन का। ऑप्शन ए 15 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन, 300 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी 150 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन, 30 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी 30 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन एंड 150 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी 300 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन एंड 15 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन। तो गैस करें, एंड द राइट आंसर इज 30 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन एंड 150 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरोन, तो सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगेन फ्रॉम माला डी, और यहां पे पूछा है आयरन कंटेंट, द आयरन कंटेंट एंड कंपोजिशन ऑफ पिल्स शोन इन फोटोग्राफ। ऑप्शन ए 60 mg फेरस सल्फेट,
ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन बी 100 mg फेरस फ्यूमरेट, ऑप्शन सी 60 mg फेरस फ्यूमरेट, ऑप्शन डी 100 mg फेरस सल्फेट। तो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सब में फेरस है लेकिन कितनी डोज और कौन सा फेरस करेक्ट है, प्लीज गैस करें। और अगर आपने गैस किया है ऑप्शन नंबर सी तो आप एकदम सही हो, 60 mg फेरस फ्यूमरेट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। आइडेंटिफाई द डिवाइस इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ, ऑप्शन ए दास सर्वाइकल डायलेटर, ऑप्शन बी सारमेंस क्यूरेट, ऑप्शन सी हाउकिन हाउकिन एम्बलर सर्वाइकल डायलेटर, ऑप्शन डी फीमेल मेटल कैथेटर। तो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एम्स नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज गैस करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दिस इज हॉकिन एम्बलर सर्वाइकल डायलेटर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों। पेल्विस शेप टाइप एज शोन इन फोटोग्राफ इज, ऑप्शन ए गायनेकोइड, ऑप्शन बी एंड्रॉइड, ऑप्शन सी प्रेटिप्लॉइड, ऑप्शन डी एंथ्रोपोइड। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंड्रॉइड, बिकॉज जो एंड्रॉइड टाइप पेल्विस होती है वो हार्ड शेप्ड होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों फॉर ऑल एम्स एस्पायरेंट्स, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर 5 इन फोटोग्राफ ऑफ ब्रीस्ट रिप्रेजेंट, क्वेश्चन में पूछा है जो मार्किंग दे रखी है ब्रेस्ट का डायग्राम है, फिफ्थ नंबर की मार्किंग कौन से स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रही है। सो ऑप्शन ए कूपर्स लिगामेंट, ऑप्शन बी लोब्यूल विद एल्वोलाई, ऑप्शन सी लैक्टिफेरस डक्ट, ऑप्शन डी एरियोलर टिश्यू। प्लीज गैस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लैक्टिफेरस। एक बार डिटेल में बता देता हूं दोस्तों, जो ऑप्शन वन है ये तो है कॉपर लिगामेंट, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सेकंड है लोब्यूल विद एल्वोलाई, ऑप्शन थर्ड है एरियोलर टिश्यू, ऑप्शन फोर निप्पल एंड ऑप्शन फाइव लैक्टिफेरस डक्ट। तो आ गया होगा दोस्तों समझ में। तो यार अगर आपने किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने ग्रुप्स में, क्योंकि ये लाइक और सब्सक्राइब करना हमको मोटिवेशन देता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लेसेंटा इंसर्शन शोन इन द फोटोग्राफ, ऑप्शन ए वेलामेंटस, ऑप्शन बी सर्कम मार्जिनेट, ऑप्शन सी सबसेंचुरेट, ऑप्शन डी सर्कम वैलेट।
प्लीज गेस करें आंसर को, इमेज को अच्छे से देखें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वेलामेंटस, बिकॉज इन वेलामेंटस मेम्ब्रेन्स में प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर जाता है। थ्रू मेम्ब्रेन इंसर्शन होता है दोस्तों इन वेलामेंटस टाइप ऑफ प्लेसेंटा, द इंसर्शन इज सीन थ्रू द मेम्ब्रेन्स, दैट इज व्हाई द आंसर इज वेलामेंटस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले की सुंदर बढ़ते हैं दोस्तों, अरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो कर दोगे सभी। क्लिनिकल साइन शोन इन द फोटोग्राफ इज नोन एज, ऑप्शन ए चैडविक साइन, ऑप्शन बी ओशियंडर साइन, ऑप्शन सी पाल्मर साइन, ऑप्शन डी हैगार साइन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हैगार साइन। हैगार साइन में होता क्या है दोस्तों, अब साइन की बात चल रही है यहां पे, कमेंट करो दोस्तों हैगार साइन में क्या होता है, ओशियंडर साइन में क्या होता है, ओशियंडर साइन में पल्सेशन बढ़ जाती है, पाल्मर साइन में रिलैक्सेशन हो जाता है, चैडविक साइन में ड्यूस डिस्कलरेशन हो जाता है, और हैगार साइन में सॉफ्टनिंग हो जाती है। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 3 स्टार देने लायक क्वेश्चन है दोस्तों ये तो, और एम्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युअर शोन इन द फोटोग्राफ इज नॉट डन इन, ये मैन्युअर कौन सी कंडीशन में नहीं किया जाता, ऑप्शन ए प्रीमी ग्रेविडा, ऑप्शन बी फ्लैग ब्रिज, ऑप्शन सी PIH मीन्स प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी एनेमिया। सो गैस करें आंसर को। सो भाई अगर आपने गैस किया है PIH तो आप एकदम सही हो, क्योंकि ये फिगर है आपको पता होगा एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन का फिगर है दोस्तों। कब किया जाता है कमेंट करके बताओ। तो एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन PIH के केस में नहीं किया जाता, रिमेंबर दोस्तों। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं श्योरली कह सकता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप गलती करोगे, एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, पॉइंट शोन इन द स्कल डेपिक्स, ऑप्शन ए इनियन, ऑप्शन बी स्टेफनियन, ऑप्शन सी टेरियन एंड ऑप्शन डी ब्रैगमा। सो आप में से 70% ब्रैगमा ही बोलेंगे, लेकिन दैट इज रॉन्ग आंसर, दिस इज नॉट ब्रैगमा। एंड द राइट आंसर इज एनियन, ऑप्शन ए। सॉरी टेरियन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज ब्रैगमा तो किसको बोलते हैं हम, जहां पे फ्रंटल और कोरोनल सूचर आपस में
मीट करते हो या इंटरसेक्ट करते हो ऐसे पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेगमा, और टेरियन बोलते हैं, टेरियन इज डिफरेंट थिंग दोस्तों। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा आपके कि ब्रेगमा तो ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फ्रंटल और कॉर्नल सूचर आपस में मीट करते हो, बट टेरियन इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, पहले मैंने इनियन बोला था लेकिन टेरियन राइट आंसर है, क्योंकि टेरियन एक ऐसा पॉइंट है जो कि स्पेनोइड के पास में है एंड इट इज अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, और ये पॉइंट है कन्वर्जेंस का बिटवीन द फ्रंटल पैराइटल स्पेनोइड एंड स्क्वामस टेम्पोरल। ये कन्वर्जेंस पॉइंट है सभी के बीच का, मतलब कि स्पेनोइड का भी, फ्रंटल का भी, टेम्पोरल का भी, और स्पेनोइड का भी, और स्क्वामस टेम्पोरल का भी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल केयर से दोस्तों, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ एंडोट्रेकल ट्यूब। ऑप्शन ए, यहाँ पे एबीसी करके लिख रखा है, तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना और ऐसे क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। ऑप्शन ए, ए आउटर कैनोला, ऑप्शन बी, बी इनर कैनोला, सी ऑब्ट्रेटर मान रखा है ऑप्शन बी में, ए ऑब्ट्रेटर, बी आउटर कैनोला, सी इनर कैनोला, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ए को मान रखा है ऑब्ट्रेटर, बी को मान रखा है इनर कैनोला, और सी को मान रखा है आउटर कैनोला, ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन ए इनर कैनोला, ऑप्शन बी आउटर कैनोला, ऑप्शन सी ऑब्ट्रेटर। तो गैस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज दिस इज द इनर कैनोला, दिस इज द आउटर कैनोला। एक बार डायग्राम देखना दोस्तों अच्छे से, एंड सी इज द ऑब्ट्रेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईटी एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन के ऊपर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं, पोजिशनिंग फॉर एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन एज शोन इन द फोटोग्राफ। पोजिशनिंग के बारे में पूछा है तो ध्यान से सारे ऑप्शन देखना। ऑप्शन ए फ्लेक्जन एट द एटलेंटो ओसिपिटल एंड एक्सटेंशन एट सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन। ऑप्शन बी एक्सटेंशन एट एटलेंटो ओसिपिटल एंड फ्लेक्जन एट सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन। ऑप्शन सी फ्लेक्जन एट द एटलेंटो ओसिपिटल एंड सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन। ऑप्शन डी है एक्सटेंशन एट एटलेंटो ओसिपिटल एंड सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन। सो गेस करें आंसर को। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज द प्रॉपर पोजिशनिंग होती ईटी ट्यूब की वो एक्सटेंशन तो होना चाहिए एटलेंटो ओसिपिटल में, एंड फ्लेक्जन होना चाहिए सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन। रिमेंबर दोस्तों, एम्स एस्पायरेंट्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एम्स एस्पायरेंट्स। ए वेव ऑफ वेव फॉर्म शोन इन द फोटोग्राफ इज एब्सेंट इन ऑप्शन ए हार्ट ब्लॉक, ऑप्शन बी एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन सी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ऑप्शन डी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोस्तों एक चीज जरूर देख लेना,
कि ये जो फिगर आई है जेवीपी का, और जेवीपी में हमको पता होना चाहिए ए मीन्स क्या होता है, एक्स मीन्स क्या होता है, सी मीन्स क्या होता है, वी मीन्स क्या होता है। आज मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। ए इंडिकेट करता है जेवीपी में एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन को, एक्स इंडिकेट करता है एट्रियल रिलैक्सेशन को, सी इंडिकेट करता है ट्राइकस्पिड बल्जिंग को, एंड वी इंडिकेट करता है रिलैक्सेशन सॉरी अर्ली फिलिंग, एंड वाई इंडिकेट करता है एम्पटिंग को, एम्पटिंग ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स को। तो इसमें क्या देखा जाता है कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया एट्रियल फिब्रिलेशन बिकॉज ए वेव इज अब्सेंट इन द एट्रियल फिब्रिलेशन इन जेवीपी डायग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पीडियाट्रिक्स। डायग्नोज द वेस्कुलर बर्थ मार्क शोन इन द फोटोग्राफ इज ऑप्शन ए इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा, ऑप्शन बी सेल्मन पैच, ऑप्शन सी पोर्टवाइन स्टेन, ऑप्शन डी लिम्फेंजियोमा। एंड द राइट आंसर इज पोर्टवाइन स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्द जल्दी करना पड़ेगा क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डर्मल जोन्स शोन इन द फोटोग्राफ आर यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ऑप्शन ए सीरम हीमोग्लोबिन लेवल्स, ऑप्शन बी सीरम बिलिरुबिन लेवल्स, ऑप्शन सी सीरम ग्लूकोज लेवल्स, ऑप्शन डी सीरम कैल्शियम लेवल। तो गैस करें, दीज आर द जोन्स फॉर द बिलिरुबिन लेवल्स। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए और ऐसे लाइन करके दे तो समझ लेना बिलिरुबिन के लिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे भी बढ़िया वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं दोस्तों आप सभी के लिए, सभी एम्स एस्पायरेंट्स के लिए। सो टेक्निक शोन इन फोटोग्राफ इज जनरली यूज फॉर फीडिंग ऑफ ऑप्शन ए नॉर्मल इन्फेंट, ऑप्शन बी लो बर्थ वेट, ऑप्शन सी माल नरिश इन्फेंट, ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसमिक इन्फेंट। प्लीज गेस द आंसर। द राइट आंसर इज दिस टेक्निक इज यूज इन ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, लो बर्थ वेट और प्री मैच्योर इन्फेंट्स के अंदर इस टेक्निक को यूज करते हैं। अगर इस टाइप का कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द टेक्निक शोन इन द फोटोग्राफ इज यूज फॉर ऑप्शन ए टैक्टाइल स्टिमुलेशन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, ऑप्शन सी हेमिल्स मैनुअर, ऑप्शन डी बर्पिंग। गैस करें, और ऐसे इजी क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं वही तो हमारा सिलेक्शन को रोक देते हैं दोस्तों। तो गैस करें, एंड द राइट आंसर इज एक्सटर्नल कार्डियक मसाज। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन नाइस क्वेश्चन फ्रॉम द पीडियाट्रिक पोर्शन। क्वेश्चन इज टेक्निक शोन इन द फोटोग्राफ यूज फॉर ऑप्शन ए रिसेस्टेशन, ऑप्शन बी एसेसमेंट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन सी बिलिरुबिन एस्टिमेशन, ऑप्शन डी टैक्टाइल स्टिमुलेशन। गैस करें,
और अगर आपने गैस किया है ऑप्शन बी को तो एकदम सही हो। दिस टेक्निक इज यूज फॉर हियर बिटवीन द चेस्ट मिड चेस्ट। दिस इज यूज फॉर असेसमेंट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। फ्लूड इन रेफ्रिजरेटर कैन बी स्टोर्ड अप टू द ऑप्शन ए 6 to 8 hours, ऑप्शन बी 24 hours, ऑप्शन सी 1 month, ऑप्शन डी 3 month। तो भाई ये सबको पता है ब्रेस्ट मिल्क है, और ब्रेस्ट मिल्क को ये तो सबको पता होगा ब्रेस्ट मिल्क है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर कितनी देर रख सकते हैं आप कमेंट करके बताएं, और रेफ्रिजरेशन के अंडर कितनी देर रख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24 आवर्स इज द राइट आंसर, बट एट द रूम टेम्परेचर द ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड अप टू 4 hours। रिमेम्बर दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टेक्निक इन फोटोग्राफ इज यूज टू असेस इन विच पीडियाट्रिक क्लिनिक और विच पीडियाट्रिक कंडीशन क्लिनिक कंडीशन। ऑप्शन ए कंजनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, ऑप्शन बी हिप फ्रैक्चर, ऑप्शन सी जेस्टेशनल एज, ऑप्शन डी लंग मैच्योरिटी। तो आंसर गैस करें, एंड द राइट आंसर इज जेस्टेशनल एज। सो भाई इसका आंसर हो जाएगा जेस्टेशनल एज। ये है पोपलिटल एंगल बोलते हैं इसको, पोपलिटल एंगल को असेस कर रहा है इधर इस प्रोसीजर में, तो इसको यूज करते हैं मेनली जेस्टेशनल एज असेस करने में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट शोन इन फोटोग्राफ इज ऑप्शन ए वुड लैंप एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी पैस टेस्टिंग, ऑप्शन सी डायस्कोपी, ऑप्शन डी ब्रांच टेस्ट। गैस करें, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दिस इज अ डायग्राम ऑफ वुड लैंप एग्जामिनेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्किन लीजन शोन इन द फोटोग्राफ, ऑप्शन ए मैक्यूल, ऑप्शन बी पैप्यूल, ऑप्शन सी नोड्यूल, एंड ऑप्शन डी प्लग। तो प्लीज आंसर गैस करें, और अगर आपने गैस किया है ऑप्शन नंबर सी तो आप एकदम सही हो। अब आपको बता देता हूं ग्रिप में दोस्तों, बहुत मेहनत से लेक्चर तैयार किया है, क्वेश्चन तैयार किए हैं आपको समझाने के लिए। तो जो भी भाई है बहन है, प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आप समझते हैं मैक्यूल, फर्स्ट ऑप्शन मैक्यूल। मैक्यूल याद रखें 2 सेंटीमीटर इन साइज होते हैं, अप टू 2 सेंटीमीटर हो सकते हैं। पैप्यूल 0.5, और इसमें पस फॉर्मेशन होता है। नोड्यूल जो कि 0.5 सेंटीमीटर के होते हैं अप टू। प्लाग, दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग सम पस प्लाग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई
द डायग्नोस्टिक टेक्निक शोन इन द फोटोग्राफ, कौन सी टेक्निक शोन शो कर रखी है फोटो में बताना है। ऑप्शन ए ईआरसीपी, ऑप्शन बी एमआरसीपी, ऑप्शन सी कोलोनोस्कोपी, ऑप्शन डी सिग्मॉइड कोलोनोस्कोपी। तो आंसर गैस करें। एंड द राइट आंसर इज, पहले तो आप ये बताओ कमेंट करके ईआरसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों मुझे परवाह नहीं है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। और आप लाइक और सब्सक्राइब में तो यार कंजूसी मत करो बिल्कुल भी। तो ईआरसीपी की फुल फॉर्म होती है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलोनोपैनक्रियाटोग्राफी, पैनक्रियाटोजुजनोस्टोमी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी नाइस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ यूज ड्यूरिंग, ऑप्शन ए ड्यूरिंग सर्जरी स्कैल्पल ब्लेड, ऑप्शन बी स्टेराइल माइक्रो स्कैल्पल, ऑप्शन सी माइक्रो सर्जिकल नाइफ, ऑप्शन डी डिस्पोजेबल मिनी स्कैल्पल। तो आंसर गैस करें। एंड द राइट आंसर इज, दिस इज स्कैल्पल ब्लेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑर्थो स्केलेटल सिस्टम एंड ऑर्थोपेडिक, टाइप ऑफ फ्रैक्चर शोन इन द फोटो इज, ऑप्शन ए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऑप्शन बी टोरस बक्कल फ्रैक्चर, ऑप्शन सी स्पाइरल फ्रैक्चर, ऑप्शन डी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो द राइट आंसर इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। दिस इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रंस। तो समझ लेते एक बार फ्रैक्चर को दोस्तों। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है कि वन एंड फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली होता है चिल्ड्रन में। ऑप्शन बी बक्कल फ्रैक्चर। बक्कल फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, वन साइड ऑफ बोन बैंड हो जाती है ड्यू टू इंजरी, अदर साइड बैंड नहीं होती रोटेशनल फोर्स के कारण। और ऑप्शन सी समझ लेते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर, इसको टॉर्जन फ्रैक्चर भी बोलते हैं। तो एग्जामिनर ऐसे भी डाल के पूछ सकता है कि टॉर्जन फ्रैक्चर किसको बोलते हैं, ये टॉर्जन फ्रैक्चर कैसे होता है, टॉर्जन या स्पाइरल एक ही बात है, कंफ्यूज ना हो। टॉर्जन फ्रैक्चर और स्पाइरल फ्रैक्चर होता है मेनली रोटेशनल फोर्स या ट्विस्टिंग फोर्स के कारण, ठीक है। और ये कंप्लीट बोन फ्रैक्चर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये तो कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट बोन फ्रैक्चर बोला जाता है ग्रेनिस्टिक को दोस्तों। और लास्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इसमें ट्रांसवर्सली एक फोर्स एक्सर्शनल फोर्स के कारण फ्रैक्चर होता है। तो राइट आंसर होगा इसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन शोन इन द फोटोग्राफ। तो यहाँ पे RL शो की गई है। ऑप्शन ए 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन बी 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर,
ऑप्शन सी 124 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन डी 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आंसर गेस करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, द सेंट एरो शोन इन द फोटोग्राफ इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ऑप्शन सी हेडेक, ऑप्शन डी एसआईटीज। तो दोस्तों गैस करें और ये संट है इसको बोलते हैं डेनेवर संट, याद रखें डेनेवर संट। एसआईटीज में यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन द फोटोग्राफ मैकबर्नी पॉइंट इज डिपिक्टेड बाय ऑप्शन ए ग्रीन पॉइंट, ऑप्शन बी ब्लू पॉइंट, ऑप्शन सी रेड पॉइंट, ऑप्शन डी येलो पॉइंट। सो मैकबर्नी पॉइंट बताना है और गैस करो एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये है मैकबर्नी पॉइंट। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक से और एम्ब्लाइकस मिड लेटर लाइन को बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्प्लिंट शोन इन द फोटोग्राफ, ऑप्शन ए एरोप्लेन स्प्लिंट, ऑप्शन बी थॉमस स्प्लिंट, ऑप्शन सी नक्कल बैंड स्प्लिंट, ऑप्शन डी कॉकअप स्प्लिंट। तो भाई स्प्लिंट्स के बारे में बस समझ लेते हैं। एरोप्लेन स्प्लिंट फर्स्ट वन, इसको यूज कब करते हैं आज बता रहा हूं आपको, याद रखना कभी नहीं भूलोगे। एरोप्लेन स्प्लिंट यूज करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के केस में, थॉमस स्प्लिंट यूज करते हैं हिप और थाई इंजरी में, नक्कल बैंड स्प्लिंट यूज करते हैं अल्नार नर्व इंजरी में, कॉकअप स्प्लिंट यूज करते हैं रेडियल नर्व इंजरी में। दोस्तों याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट इन द ऑर्गन शोन इन फोटोग्राफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रीन, ऑप्शन ए कार्डिया, ऑप्शन बी फंडस, ऑप्शन सी एंट्रम, ऑप्शन डी ड्यूडेनम। तो प्लीज गैस करें आंसर। द राइट आंसर इज एंट्रम, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ इंटरवल शोन इन फोटोग्राफ इज 0.12 to 0.20 seconds, ऑप्शन बी 0.08 से 0.12, ऑप्शन सी 0.08
से 0.45 सेकंड, ऑप्शन डी 0.80 से 0.95। सो यहाँ पे पूछा है क्यूटी इंटरवल, सो द राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.40 से 0.45 सेकंड होता है क्यूटी इंटरवल। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट्रियल रिपोलराइजेशन इन द रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4। देख लेते हैं ऑप्शन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। फर्स्ट पूछा है, सॉरी यहाँ पे पूछा है एट्रियल रिपोलराइजेशन, जल्दी लेकर हाजिर होंगे और ऐसे ही अमेजिंग एंड एस्पायरेंट्स के लिए 500 क्वेश्चन, अभी तो पहला पार्ट किया है, और भी नेक्स्ट आएंगे जब तक कि 500 क्वेश्चन पूरे ना हो जाए और एकदम मास्टरी ना हो जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अमेजिंग ट्रिक और अमेजिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।